लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेली न्यूरो नर्वियन न्यूरो फिजियोलॉजी, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक न्यूरॉन, दूसरा आपका ग्लियल सेल जिसको न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम की ये दो सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज अ एक्चुअल सेल एंड दिस सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिकॉज न्यूरॉन कंडक्ट ऑल द इंपल्सेस आइदर सेंसरी और मोटर। किसी भी तरीके के इंपल्स हो, चाहे सेंसरी हो या मोटर इंपल्स हो, वो आपका बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके पेरिफेरल बॉडी में किसी भी पार्ट तक लाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन्स जो होते हैं डिवाइड नहीं होते, दे कैंट डिवाइड। एक टाइम लाइफ में बनते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम, जब आप बच्चा एम्ब्रियो होता है उसी समय ये एक बार बनते हैं, साइज में तो ये बढ़ते हैं पर ये डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जितने बन जाएंगे उतने ही रहेंगे, एक से दो से चार में ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और हम जो न्यूरॉन है उसको थ्री कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसका जो मेन बेसिक कंपोनेंट है दैट इज योर सेल बॉडी, सेल बॉडी इसका बेसिक कंपोनेंट है। सेकंड वन इज योर डेंड्राइट्स। सेकंड कंपोनेंट को हम बोलते हैं जो सेल बॉडी से एक्सटेंशन होता है, पर वो शॉर्ट एक्सटेंशन होता है, छोटा सा एक्सटेंशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। और जो सेल बॉडी से लॉन्ग आपका एक्सटेंशन होगा उससे बोल लेते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन के लास्ट एंड पे टर्मिनल एंड, लास्ट एंड को हम टर्मिनल एंड बोलते हैं, आपके कुछ जगह पे टर्मिनल बटन्स भी बोलते हैं, जिनका क्या काम है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डेंड्राइट्स और सेल बॉडी का। डेंड्राइट्स का काम क्या है? तो डेंड्राइट्स मोस्टली आपका कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो केमिकल फॉर्म में हो या मैकेनिकल फॉर्म में हो, हर तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, वो चाहे वो केमिकल फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हो या फिर मैकेनिकल फॉर्म हो। केमिकल फॉर्म मींस कि कोई भी केमिकल आपके आकर के इस डेंड्राइट्स पे, यहाँ पे क्या हो, इस डेंड्राइट्स को स्टिमुलेट करेंगे और वो सिग्नल कहाँ भेज देगा? अंदर। या फिर कोई मैकेनिकल, मतलब जैसे कि टच, टच क्या है? मैकेनिकल एक्टिविटी है। टच हम करते हैं तो टच जो होता है वो फील होता है हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू। कैसे फील होता है? हमारे डेंड्राइट्स पे होते हैं यहाँ पे आपके, होते हैं यहाँ पे सोडियम चैनल्स, यहाँ पे होते हैं आपके सोडियम चैनल्स। जब हम टच करते हैं, जब कभी हम टच करते हैं तो वो टच होने की वजह से मैकेनिकली ड्राइव सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, मैकेनिकल स्टिमुलेशन की टच, या फिर इनको बोलते हैं टच सेंसिटिव सोडियम चैनल, ये भी बोल सकते हैं क्या? टच सेंसिटिव सोडियम चैनल। जो टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, सोडियम आएगा, सोडियम आएगा तो यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। एक्शन पोटेंशियल क्या कहते हैं वो एक अलग से टॉपिक है, जिसको हम आपका अलग वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक ही है। वो एक्शन पोटेंशियल आएगी हमारे सेल बॉडी से, एक्सॉन से होते हैं, फिर पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी, तो वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिटरमाइन करेगा कि हाँ हमें टच फील हुई है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? किसी भी सेंसेशन को लेना। या फिर दूसरा काम क्या है कि आपको मालूम है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में कभी भी जुड़ नहीं सकता, उनके बीच में हमेशा एक स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, ये दूसरे दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इनके जो बीच का जो स्पेस है, जो एक पोटेंशियल स्पेस है, इसको बोलते हैं सिनेप्स, इनको बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सिनेप्स। जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, जब कोई एक्शन पोटेंशियल यहां से होते हुए आपके टर्मिनल एंड पे आएगी, तो टर्मिनल एंड पे जब कोई यहां से, मान लिया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, एक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वो कैसे जनरेट होता है प्रॉपर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे एक्चुअल में इसके अंदर करंट फ्लो कैसे होगा, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। तो वो आपका आता है एक्शन पोटेंशियल, आपका कहां आएगा? टर्मिनल एंड्स में। टर्मिनल एंड्स के जो टर्मिनल बटन्स हैं, जो ये वेसिकल्स हैं, इनमें क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम्स को वो इस एरिया में रिलीज कर देगी, और इस एरिया का जो डेंड्राइट्स होंगे आपके दूसरे न्यूरॉन पे, उस डेंड्राइट्स पे वो जाकर के बाइंड हो जाएगा। और जैसे बाइंड होगा तो यहां पे भी क्या होते हैं आपके सोडियम चैनल होते हैं, वो एक्टिवेट होंगे, दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी, मतलब एक नर्व से दूसरे नर्व में इंपल्स ट्रांसमिट होगी। यहां हमने टच किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए, वो गए दूसरे आपके टर्मिनल एंड्स तक, वहां पे उसने क्या किया, नर्व न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया सिनेप्स में। सिनेप्स में जब न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे तो उसके पास में जो दूसरा न्यूरॉन होगा उस पे वो अटैच होंगे, उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे और उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। इसी तरह ये एक्शन पोटेंशियल आपके कहां पहुंच जाएगी? ब्रेन तक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। क्लियर है? तो सिनेप्स क्या है? सिनेप्स द स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन वेयर द वन, अभी न्यूरॉन्स को भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये सिनेप्स है। सिनेप्स से जो पहले का न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं
प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सिनेप्स से बाद का न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जब आपका कोई भी केमिकल मैसेंजर मैसेंजर के रूप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअल में केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका एस्टाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स है। वो क्या होते हैं? आपके टर्मिनल एंड से रिलीज होते हैं और दूसरे न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जाकर के वहां के रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल करंट एक डायरेक्शन में बढ़ता हुआ चला जाता है और कहां तक जाता है? हमारे ब्रेन तक जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है। वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स फिर दूसरी मोटर नर्व के थ्रू जो भी एक्शन करना होगा वो रिस्पॉन्स भेजेगी। क्लियर? तो डेंड्राइट का काम क्या है? किसी भी सेंसेशन को, चाहे वो मैकेनिकल हो, टच क्या है? मैकेनिकल है, चाहे टच कर हो या फिर कोई केमिकल हो, मीन्स केमिकल की वजह थ्रू भी आपका एक एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है। इसके बाद में आपका आ गया सेल बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी इज अ मेन कंपोनेंट। इट कंटेन डीएनए, इट कंटेन डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में क्या होंगे? आपके जीन्स होंगे, ठीक है। उन जीन्स का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जीन्स का मोस्टली काम होता है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? गॉल्जी ऑपरेटर्स। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें भी होंगी क्योंकि न्यूरॉन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो 25% टोटल एनर्जी का 25% आपका जो यूज करता है वो नर्वस सिस्टम यूज करता है। किस काम में? करंट को जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। और 25% एनर्जी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। अब कोई भी अगर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, मान लें यहाँ की एक जीन सिंथेसाइज कर रही आरएनए, कौन सा आरएनए? एमआरएनए। एमआरएनए आएगा आपका न्यूक्लियस से बाहर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आपकी आएगी कहाँ पे? गॉल्जी अपैरेटस में। गॉल्जी अपैरेटस का काम है पैकेजिंग एंड सिग्नलिंग ऑफ प्रोटीन, पैकेज करना और प्रोटीन का सिग्नलिंग करना। तो उस प्रोटीन को गॉल्जी अपैरेटस क्या करेगा? पैक कर देगा। और ये पैक प्रोटीन क्या होगी? रिलीज आउट हो जाएगी गॉल्जी ऑपरेटस से। और ये प्रोटीन क्या होगी? ये हो सकते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, कोई एंजाइम्स हो सकती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और ये प्रोटीन जो होगी, ये यहाँ पे काइनेज वगैरह प्रोटीन होती है, उन प्रोटीन की मदद से ये ट्रांसमिट होकर के आपकी आ जाएगी टर्मिनल एंड्स पे, टर्मिनल एंड्स पे ये प्रोटीन आ जाएगी। तो अगर कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो आपकी सेल बॉडी का न्यूक्लियस ही पहले एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, फिर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। गॉल्जी ऑपरेटस में उसकी पैकेजिंग होगी, वेसिकल्स में पैक होगा और वेसिकल ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा आपके टर्मिनल एंड्स पे। क्लियर है? तो डेंड्राइट्स का काम क्लियर। सेकंड पोर्शन इज योर सेल बॉडी। सेल बॉडी मेन कंपोनेंट है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का सिर्फ एक्सटेंशन है। जो एक्सॉन्स हैं ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं मैक्सिमम, इसकी स्ट्रेंथ जो हो सकती है 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? एक एक्सॉन, मैंने बोला ना जन्म के टाइम बन जाते हैं फिर वो डिवाइड नहीं होते, लेकिन उनकी साइज बढ़ सकती है। तो एक्सॉन्स सेल बॉडी तो बहुत इस्तेमाल होती है, और जो सेल बॉडी होती है वो ग्रे कलर की होती है, इसलिए ये जो फॉर्म जहाँ पे एक साइड एक साथ एकत्रित होंगी, जहाँ पे एक ग्रुप में होंगी, उसको हम ग्रे मैटर बोलेंगे। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये एक्सॉन जो होगा, जो दूसरा जो एक्सटेंशन है आपका सेल बॉडी से, वो एक्सॉन ये सिंगल होता है। डेंड्राइट सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, लेकिन एक्सॉन जो होता है वो हमेशा एक ही होता है। एक्सॉन 100 सेंटीमीटर लॉन्ग तक हो सकता है मैक्सिमम, ये 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक एवरेज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग तक हो सकता है। एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन का काम है मेन चीज तो एक काम है होता है कि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ पे हो रही वो प्रोटीन आपके ट्रांसपोर्ट होकर करके टर्मिनल एंड्स पे ले जाना। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है यहाँ पे टर्मिनल एंड्स पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ट्रांसपोर्ट होकर के आपके टर्मिनल एंड्स तक जाएगी। यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की एज पूरी हो चुकी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वापस ट्रांसपोर्ट होकर के सेल बॉडी तक आएगी। यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया वायरस कुछ घुस गया एंटर कर गया तो वो भी आपके ट्रांसपोर्ट कर करके कहां तक जाएगा? सेल बॉडी तक। यहाँ पे क्या है? लाइसोसोम्स वगैरह है और वो इस माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आपका जो फॉरेन बॉडी उसको डिस्ट्रक्शन करेंगे, उसको फैगोसाइट कर जाएंगे, उसको एंगल्फ कर देंगे। एक तो ये फंक्शन हुआ आपका एक्सॉन का। दूसरा फंक्शन क्या है? जो मेन सेकंड वन फंक्शन है दैट इज योर ट्रांसपोर्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड।
इसका काम क्या है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। मान लिया यहाँ पे सोडियम चैनल हुआ और ये सेल क्या हुई? डीपोलराइज हुई। डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, तो डीपोलराइज हुई ये सेल क्या हुई? पॉजिटिव हुई। तो ये पॉजिटिव आयन अगर इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजिंग करंट। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजिंग करंट। डीपोलराइजिंग करंट कहां से कहां ट्रांसमिट होगा? सेल बॉडी टू एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स में। जब ये एक बार डीपोलराइज होगा तो डीपोलराइजेशन के बाद में क्या होता है? रिपोलराइजेशन, मींस माइनस नेगेटिव करंट इस डायरेक्शन में डिवेट होगा तो उसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन या फिर रिपोलराइजिंग राइजिंग करंट। क्लियर? तो डीपोलराइजिंग करंट या रिपोलराइजिंग करंट मेनली उसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगी वो ट्रांसमिट होगी कहां? फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड्स। ठीक है, एक पोर्शन है एक्सॉन हैलॉक्स, एक्सॉन हैलॉक। ठीक है, एक्सॉन हैलॉक का क्या काम है? इसका जो जहां ये होता कहां पे? जहां पे आपके सेल बॉडी थोड़ा नैरो होना स्टार्ट कर देती है और वहीं जहां से एक्सॉन का एक्सटेंशन होता है, जहां से एक्सॉन स्टार्टिंग होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हैलॉक्स। इसका काम क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का काम है। जो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन में जनरेट होगी वो कहां पे होगी? आपके एक्सॉन हैलॉक्स से स्टार्ट होगी। कहां से होगी? एक्सॉन हैलॉक्स से, और फिर टर्मिनल एंड तक वो ट्रांसमिट होती चली जाएगी। टर्मिनल एंड तक जैसे यहां पे ट्रांसमिट होगी तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपके होते हैं कैल्शियम चैनल्स। कौन सा चैनल? कैल्शियम चैनल्स। डीपोलराइजेशन सेंसिटिव, जैसे ये डीपोलराइज होगा, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। और वो कैल्शियम चैनल क्या करेंगे? आकर के यहां इसके अंदर क्या भेजेंगे? कैल्शियम को। क्या भेजेंगे? कैल्शियम को। और मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जब गॉल्जी बॉडी में जब पैकेजिंग होती है तो वही प्रोटीन आपके वेसिकल्स पे भी लगी होती है और वही प्रोटीन आपकी मेम्ब्रेन पे होती है। ये कैल्शियम क्या करेंगे? आकर के इस यहां पे बाइंड हो जाएंगे। यहां पे क्या होंगे? कैल्शियम बाइंड हो जाएगा। और जब कैल्शियम बाइंड होगा तभी मेन चीज होगी। जब कैल्शियम बाइंड होगा तभी क्या होगा? मेन थिंग तभी होगी। उस समय क्या होगा? एक्चुअल में ये जो वेसिकल है ये इसके साथ में आपकी फ्यूज हो जाएगी। जो वेसिकल है वो कहां क्या होगी? आपकी टर्मिनल एंड्स जो है या फिर टर्मिनल बटन्स जिनको बोलते हैं वो वहां पे फ्यूज हो जाएगी। और फ्यूज होने के बाद में इस एरिया में क्या होगा? आपका रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे? मान लिया हमें किसी ने टच किया, टच करने के बाद में वो डेंड्राइट्स के थ्रू सेंसेशन जाएगा आपका सेल बॉडी तक। क्या होगा? डेंड्राइट्स का डीपोलराइज होंगे। डीपोलराइजिंग करंट वो फ्लो होगा आपके किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। एक्सॉन के थ्रू डीपोलराइजेशन होते होते कहां पहुंचेगा आपका? डीपोलराइजेशन होते होते टर्मिनल एंड्स पे। टर्मिनल एंड्स पे कैल्शियम डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम आकर के यहाँ पे बाइंड हो जाएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन और वेसिकल के प्रोटीन के साथ में, दोनों को बाइंड कर देगा। जैसे दोनों बाइंड होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे? रिलीज आउट हो जाएंगे। क्लियर? इतना क्लियर? न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल्स है जो कि मेनली नर्व के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। और ये क्या हो सकता है? इसमें कितने कंपोनेंट पार्ट्स हैं? इसके तीन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। क्लियर इतना? इसके बाद में जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो होते कितने टाइप्स के हैं? देखो, एक तो आप पढ़ोगे दो टाइप्स के न्यूरॉन, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। दूसरा आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो होंगे यूनिपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर एंड बाइपोलर। फंक्शन के आधार पे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, जिसको मिक्स न्यूरॉन भी बोलते हैं, वो होंगे। तो हम पहले आपको देखते हैं कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ जो आप सबसे बेसिक है कि माइलिन शीट, माइलिन के अनुसार तो आपके एक्सॉन्स जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे माइलिनेटेड और एक होंगे नॉन माइलिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, तो न्यूरॉन में कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स के, एक होते हैं माइलिनेटेड एंड एक नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड क्या होते हैं? एक तो यहां पे आपकी होती है श्वान सेल, एक सेल होती है उसको बोलते हैं हम श्वान सेल। श्वान सेल का ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये आपका श्वान सेल का न्यूक्लियस। इस न्यूरॉन को बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। अब एक हम एक चीज पूछोगे कि इसमें तो श्वान सेल है,
जिसमें स्वान सेल होती है उसको माइलिनेटेड बोलते हैं, जिसमें स्वान सेल होती नहीं होती है उसको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। एक्चुअल में न्यूरॉन्स जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्वान सेल्स होती है वो पेरिफेरल न्यूरॉन्स में पाई जाती है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर वाले न्यूरॉन्स हैं। और जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं वो जो सेल हमारे ट्रैक्स वगैरह होते हैं नर्व में, वो ट्रैक्स को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। तो स्वान सेल्स हमारे जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं उन सारे न्यूरॉन्स में होती हैं, उन सारे न्यूरॉन्स में स्वान सेल होती हैं। पर किसको माइलिनेटेड बोलेंगे और किसको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे, तो ये क्या है आपका नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि एक सिंगल स्वान सेल से रैप है। होता क्या है, ये मान लिया आपका एक्सॉन है और इसके चारों तरफ एक स्वान सेल रैप्ड होगी, रैप मतलब इसको चारों तरफ इसको घेर के रखेगी, किसको एक्सॉन को, एक्सॉन को मोस्टली घेर के रखते, और एक न्यूक्लियस उसके अंदर भी होगा। स्वान सेल्स क्या होगी, उसको घेर के रखेगी, कितने स्वान सेल्स, एक स्वान सेल, सिर्फ एक स्वान सेल। हो सकता है यहीं पे बगल में एक और न्यूरॉन हो और ये स्वान सेल जो है उस न्यूरॉन को भी कवर कर रही हो, वो यही स्वान सेल कवर हो, यही स्वान सेल फोल्ड होकर दूसरे न्यूरॉन को भी कवर कर रही हो। तो जिसके ऊपर सिंगल लेयर सिर्फ स्वान सेल की होती है उसको बोलते हैं हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन के ऊपर मल्टी लेयर होंगे, जिस न्यूरॉन के ऊपर मल्टी लेयर्स होंगे उनको बोलेंगे हम जिस न्यूरॉन के ऊपर क्या होंगे आपके मल्टी लेयर की स्वान सेल्स होंगे, कई सारे लेयर होंगे स्वान सेल के, उसको क्या बोलेंगे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसको क्या बोलेंगे, ये इसका क्या होगा आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक एक ये देखो यहां पर कई सारे लेयर्स हैं, मींस ये न्यूरॉन है इसके ऊपर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, छह लेयर, ऐसे लेयर्स अगर बना दिए स्वान सेल्स तो उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन के ऊपर सिर्फ एक लेयर ही होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर, इन न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ नोड्स ऑफ रैंग्लीज, जो इनकी दूरी होती है वो 2 to 3 millimeter होती है। मींस एक न्यूरॉन की जो एक स्वान सेल होगी वो सिर्फ 2 to 3 millimeter ही एक्सॉन को कवर करेगी, उसके बाद में एक छोटा गैप होगा, उसके बाद फिर दूसरा न्यूरॉन जो स्वान सेल है दूसरे वो एक्सॉन को कवर करेगी। ऐसे एक एक्सॉन में कई सारी स्वान सेल्स होंगे और कई सारी स्वान सेल्स के कई सारे लेयर्स होंगे और उन लेयर्स दो स्वान सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे नोड्स ऑफ रैंग्लीज। इसका फायदा क्या है, जो आपका नॉन मैग्नेटिक न्यूरॉन है वो क्या होता है, स्लो कंडक्टिंग, क्या होता है आपका स्लो कंडक्टिंग, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, फास्ट कंडक्टिंग। जब एक्शन पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे क्यों, ये क्या होता है, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा वो क्या होगा, स्लो कंडक्टिंग होगा, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा वो क्या होगा, फास्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन होगा। क्लियर है, क्यों होगा, क्योंकि एक छोटा सा देख लेते हैं कि मान लिया यहां पे आपका बाहर क्या होता है, सोडियम, सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा होती है, सेल के अंदर क्या होती है, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब सोडियम आयन और मोस्टली जो सेल होती है अंदर क्या होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है आपकी, निगेटिव। जब इस सेल को डिक्लोराइज होना होगा इस एक्सॉन को, तो एक्शन पोटेंशियल पहले यहां से स्टार्ट हुई मान लिया, फिर आगे बढ़ेगी यहां पे होगी, फिर यहां पे इसको डिक्लोराइज करेगी, फिर ये डिक्लोराइज होगा, डिपोलराइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले यहां पे हुई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां, तो धीरे 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 ये डिपोलराइजेशन करंट आगे की तरफ बढ़ेगा, इसलिए इनको ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्लो कंडक्टिंग। मतलब अगर आपको कोई डीमैग्नेटेड न्यूरॉन है उससे कोई नर्व इंपल्स भेजनी है तो क्या होती है आपकी, स्लो कंडक्टिंग होती है, उसका एग्जाम्पल ये भी बताता हूं। दूसरा क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है यहां पे आपकी ये पॉजिटिव होना, एक्शन पोटेंशियल यहां से शुरू, यहां शुरू होने के बाद में ये एक्शन पोटेंशियल तुरंत ये 2 to 3 millimeter को जंप करेगी। मींस यहां पे क्या है, माइलिन शीट है, माइलिन शीट क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेशन मींस जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, या फिर जो लिपिड को इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है पर आयंस वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हाईली जो पोलर सब्सटेंस होंगे उनको। जब इसके ऊपर कई सारी लेयर्स होंगी आपकी स्वान सेल्स की तो इस यहां से आपके जो सोडियम पोटेशियम ना अंदर आ सकते हैं ना ही यहां से बाहर जा सकते हैं, इसको रोक देंगे। तो उससे चेंज होने का चांस कहां पे, यहां पे, ठीक है, चेंज होने का चांस कहां पे, सिर्फ यहां पे। तो एक बार एक्शन पोटेंशियल यहां जनरेट होगी, वही एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगी यहां पे, फिर आगे
टर्मिनल यूनिट्स पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेजी के साथ में करंट जो होगा टर्मिनल यूनिट्स की तरफ फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्लो स्लो। सिंपल से इतना मान, जैसे कि मैं नॉन मैग्नेटिक न्यूरॉन हूँ और मुझे चलना है तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा धीरे धीरे, ठीक है। और अगर कहीं मैग्नेटिक न्यूरॉन तो मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, तो जब कभी कभी हमारा कुछ जल जाता है, हाथ पे जलता है, मीन्स कैसे जलेगा, खाना बना रहे हो गर्म गर्म पानी हाथ पे थोड़ा सा गिर गया, तो पहले क्या करते हो, हाथ को हटाते हो, ठीक है। हाथ को क्या हटाते हो, हाथ को हटाते हो, क्यों, क्योंकि पेन, जैसे जलेगा आपका हाथ तो क्या होगा, पेन होगा, और पेन क्या होगा, मैग्नेटिक न्यूरॉन के थ्रू कंडक्ट होगा। जैसे उस पे तुरंत विद इन मिली सेकंड्स में आपका सिग्नल नर्वस सिस्टम से वापस आ जाएगा इस हाथ तक कि हाथ को हटाओ, और उसके कुछ समय बाद आपको लगेगा कि वो क्या है, गर्म है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो किसे किसके थ्रू हमारा कंडक्ट हो रहा है, नॉन मैग्नेटिक न्यूरॉन के थ्रू। तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बॉडी को पता चलेगा कि हाँ ये चीज गर्म है। लेकिन जो टच है, पानी गिरेगा तो क्या होगा, टच होगा ना, तो टच है या जो पेन है वो क्या होता है आपका, मायलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू। तो जैसे आपका यहाँ पे कुछ भी गिरेगा, टच सेंसिटिव होगा, फिर पेन होगा, तुरंत मायलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में जाएगा और हाथ आप हटा लोगे। उसके कुछ मिली सेकंड के बाद आपको पता चलता है कि पानी गर्म था। होता है ऐसा नहीं, कोई गर्म चीजें तावा वगैरह है, रोटी बना रहे, उस पर हाथ जैसे टच होगा तुरंत तुम्हारा आपका हाथ क्या होगा, पीछे हट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो टच या किसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मायलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू। वो इंपल्स क्या होगा, बहुत तेजी से आएगी, लेकिन हाथ हटाने के बाद आपको जलन फील होती है कि ये गर्म था। गर्मी का पता चलेगी उसे कुछ मिली सेकंड के बाद, ऐसे होता है ना। तो जब वो आपका टेम्परेचर वगैरह है वो नॉर्मल मैग्नेटिक न्यूरॉन्स को कंडक्ट करते हैं, इसलिए वो क्या होता है आपका, बहुत ही स्लो स्लो ब्रेन तक पहुंचता है। लेकिन टच है या फिर जो शार्प पेन है, जो सुपरफिशियल लेयर का पेन है, जो शार्प पेन मैं बता चुका हूँ शार्प पेन डल पेन पिछले वीडियो में, तो वो जो है वो क्या होता है, फास्ट कंडक्टिंग होता है। क्लियर, तो ये क्लियर है, न्यूरॉन्स क्या है, मैग्नेटिक न्यूरॉन्स क्या है, नॉन मैग्नेटिक न्यूरॉन्स क्या है। यहाँ पे जो स्वान सेल्स होते हैं, अगर कई सारी लेयर्स बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूरॉन्स। जो अगर सिंगल लेयर्स बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मायलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर ना, परफेक्ट। दूसरा आपका नर्व क्या होते हैं, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन दूसरे टाइप्स में बता देते हैं, दूसरे टाइप्स में बता देते हैं न्यूरॉन्स को कितने टाइप्स में बांटा गया। जो न्यूरॉन्स है वो थ्री टाइप, दो टाइप्स में बांटे गए, डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आपके बाइपोलर, फिर मल्टीपोलर से स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका क्या है, एक्सॉन है, ये टर्मिनल लिंब्स है, और यहाँ पे कई सारे डेंड्राइट्स हैं। अगर मोर देन थ्री और मोर देन थ्री अगर डेंड्राइट्स आपके किसी सेल बॉडी से निकले हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। अगर किसी सेल बॉडी से सिर्फ एक डेंड्राइट्स निकल रहा है, कितना, सिर्फ एक डेंड्राइट्स निकलता है, तो एक ये पोल, दूसरा पोल सेल बॉडी का क्या, एक्सॉन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइपोलर। क्या बोलेंगे, बाइपोलर। जब आई वगैरह पढ़ेंगे तो आई में जो होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आता है आपका सूडो यूनिपोलर। क्या आता है, सूडो, एक्चुअल में यूनिपोलर नहीं होता है कुछ, पर इसको सूडो यूनिपोलर, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैंग्लिया सेल क्या है आपके, गैंग्लियन पे सेल बॉडी है सारी, और उसका जो एक एंड जा रहा है ये पेरिफेरल जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल इन, पेरिफेरल इन। एक जो जा रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड, ठीक है, सेंट्रल एंड। तो एक तो आएगा पेरिफेरल, मतलब इसके में टच फील होना। तो क्या होगा, एक तो हमारा जो आपका बाइपोलर सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है उसका एक एंड क्या होगा, हमारे स्किन में होगा, दूसरा एंड क्या होगा, जहां होगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए स्पाइनल कॉर्ड में। तो जैसे हमें कोई टच फील होगा तो ये इस एंड से सिग्नल जाएगा सेल बॉडी तक, और वहां से दूसरे जो सेंट्रल एंड है, जो आपका सेंट्रल इंड है उससे कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं आपके, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। जब हम पढ़ते हैं तो मेनली क्या पढ़ते हैं, फंक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस में। और जो फंक्शन के बेसिस पे होते हैं न्यूरॉन, वही हमारे नर्व भी होते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर सेंसरी न्यूरॉन, क्या होता है, सेंसरी होता है। सेकंड वन इज योर मोटर, सेकंड वन इज योर मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज योर इंटर न्यूरॉन, क्या, इंटर न्यूरॉन, या फिर मिक्स्ड, मिक्स्ड, ठीक है। इसको मिक्स्ड नर्व वगैरह होती है, नर्व होती है,
तो अब सेंसरी में क्या होता है, जितनी भी आपके जितनी भी सेंसेशन, जितनी भी जो न्यूरॉन्स हमारे सेंस को लेकर के, चाहे वो स्पेशल सेंस हो, दो टाइप के न्यूरॉन होंगे, तो स्पेशल सेंस नर्व बोलो या कि न्यूरॉन बोलो, अब यहाँ पे हम न्यूरॉन की जगह ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब हम इनको चाहे नर्व बोले या न्यूरॉन, तो हमारी नर्व कितनी होती है, तीन टाइप की होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और इंटर नर्व, या फिर जिसको मिक्स नर्व बोलते हैं। तो ये नर्व भी किससे बनी होगी, द बंडल ऑफ एक्सॉन्स या फिर द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स ग्रुप टुगेदर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड नर्व। मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, नर्व। और द बंडल ऑफ एक्सॉन्स विद इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड क्या बोलते हैं उनको, ट्रैक। द बंडल ऑफ एक्सॉन विद इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड ट्रैक, एंड द बंडल ऑफ एक्सॉन आउटसाइड द नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड नर्व। तो आउटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने टाइप की नर्व होती है, सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है, इंटर नर्व होती है। ये न्यूरॉन भी बोल सकते हैं सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, इंटर नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या होती है आपकी, दो टाइप्स की होती है, एक तो स्पेशल सेंसरी नर्व, दूसरी क्या होती है, जनरल सेंसरी नर्व। अगर इनको हम डिटेल में जब करना चाहे तो इसमें भी कई सारे टाइप्स की, जनरल में भी कई सारे, विस्कस जनरल सेंसिटिव नर्व आएंगे, सोमैटिक जनरल सेंसिटिव नर्व आएंगे, स्पेशल सेंस में आप स्पेशल जैसे कि ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, सेंस विजन को लेकर जाती है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ऐसे आपका हियरिंग, विजन, बैलेंस, ये सब किसके थ्रू होता है, आपका सेंसरी नर्व के थ्रू, ये सब क्या लेके जाती है, सेंसरी। और कौन सी सेंसरी नर्व, स्पेशल सेंसरी नर्व। स्पेशल सेंसरी नर्व कौन कौन, जैसे कि विजन, टेस्ट, हियरिंग, बैलेंस, ठीक है, स्मेल, इटीसी। जो जनरल सेंसरी नर्व होती है वो आपके मोस्टली विसरल ऑर्गन से और पेरिफेरल ऑर्गन से, जहां से मल्टीपल पॉइंट से किसी सेंस को कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जनरल। जैसे कि टच, ये क्या लिखी जाती है, टच, टेम्परेचर, पेन, इटीसी, इत्यादि कई सारी चीजें लेकर की जाती है। अब दूसरा क्या है आपका, मोटर न्यूरॉन। ये तो आपको जैसे कि टच फील हुई, तो ये न्यूरॉन लेकर के टच जाएगा आपका कहां, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि हाँ पेरिफेरल हमारे हाथ में टच फील हुई, टेम्परेचर फील हुआ, पेन फील हुआ, लेकिन हम आंख से देखेंगे तुरंत आपकी ऑप्टिक नर्व लेकर के जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये हमने कुछ देखा है, विजन, ठीक है। तो वो क्या होंगे, स्पेशल सेंसरी नर्व और जनरल सेंसरी नर्व। मोटर नर्व में, ठीक है, मोटर नर्व आपकी सोमैटिक मोटर नर्व एंड ऑटोनॉमिक मोटर नर्व। कौन कौन सी आएंगे, सोमैटिक मोटर नर्व एंड ऑटोनॉमिक मोटर नर्व। ऑटोनॉमिक में भी आपकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, ठीक है। अब जब जो भी हम, जैसे कि हमें टेम्परेचर, टच फील हुआ, किसी कहीं हवा फील हुआ, तो वहां से हमें क्या, हाथ को हटाना है, तो वो सिग्नल वो कहां से आएगा, मैसेज आपके ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके आएगा, पेरिफेरल एरिया में, पेरिफेरल एरिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, और किसके थ्रू आएगा, मोटर नर्व के थ्रू, ठीक है। जो सेंसरी नर्व होगी वो क्या, सिर्फ सेंस को लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे, जो मोटर नर्व होगी वो जो ऑर्डर होगा, जो एक्शन होगा, उसको लेकर के वापस आपके पेरिफेरल एरिया तक आएंगे, वो आएंगे मस्कुलर जंक्शन होता है, वहां पे जाकर के वो मैसेज देंगे, टेम्पल्स रिलीज करेंगे, और उसके थ्रू आपके मसल्स, जैसे आपके नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, वैसे आपके मसल्स में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, वो भी आपकी सेंसिटिव होती है, वहां जनरेट होगी और आप हाथ तुरंत हटा लोगे, मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपकी मसल्स हाथ वहां से हटा लोगे। तो वो कौन सी नर्व होंगी, सोमैटिक नर्व। दूसरी क्या होंगी, मोटर, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व। ये क्या करेंगे, तो अगर आप बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को कम करना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को कम करना, इसकी स्वेट ग्लैंड में जाएगी, स्वेट ग्लैंड में जाकर आकर डायफोरेसिस स्वेट को रिलीज कराएगी, जिससे कि आपकी बॉडी का वाटर बॉडी से बाहर जाएगा और हीट आपकी बॉडी से की रिलीज हो जाएगी, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये सब कौन सी नर्व होंगी, जो ब्रेन से वापस आएंगे आपकी पेरिफेरल में, वो क्या होंगी, मोटर नर्व। एक होती है मिक्स्ड, इसमें दोनों आती है, इसमें सेंसरी और सेंसरी नर्व भी आती है और मोटर नर्व भी आती है। ये जो नर्व होगी, इसमें के जो न्यूरॉन्स होंगे, इसके कुछ न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सेंस को लेकर के जाएंगे, कुछ न्यूरॉन्स क्या होंगे, वापस सेंस को लेकर उस एरिया में आएंगे एक्शन के लिए। तो इसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती हैं। तो नर्व कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की, या फिर फंक्शन के बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को कितने टाइप में बांटते हैं, सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन। नर्व को भी हम तीन टाइप में बांटते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, इंटर नर्व, ठीक है। तो सेंसरी नर्व सेंस को लेकर जाती है, मोटर नर्व जो भी एक्शन करना है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल में लेकर आती है, और मिक्स्ड ये दोनों काम करती है। तो ये क्या हुआ गया आपका, नर्व के बारे में। तो इतना क्लियर है कि न्यूरॉन्स क्या है, मेस्टली स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, हमारे नर्वस सिस्टम में दो सेल्स होती है, न्यूरोग्लिया एंड नर्व के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है।
एक्शन पोटेंशियल क्या होती है उसके बारे में अभी हम तो पढ़ना है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जो होगा कि एक्शन पोटेंशियल तो जो ये एक्शन पोटेंशियल है ये कैसे जनरेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसका अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगली वीडियो में एक्शन पोटेंशियल कैसे नर्व में जनरेट होती है, मींस जो ये करंट जनरेट होता है ये कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्लियर। तो इसके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होती है।